रीडर्स आर लीडर्स, जो लोग ज़्यादा रीड करते हैं वो लोग दुनिया को लीड करते हैं, क्योंकि जो लोग रीड करते हैं वो ज़्यादा नॉलेज एक्वायर करते हैं, अपने लाइफ स्किल को इम्प्रूव करते हैं और बेटर अंडरस्टैंडिंग रखते हैं काफ़ी सारी चीज़ों की। लेकिन आज के एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड वर्ल्ड में रीडिंग करने के भी बहुत से तरीके हैं। जी हाँ, हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनामिका दुवंशी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे किस किस तरीके से आप रीडिंग कर सकते हैं। तो तीन मेथड्स हैं जिससे आप रीडिंग कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुक्स पढ़ने के लिए तीन तरीकों की। क्या है वो तीन तरीके? वो तीन तरीके हैं, एक आप फिजिकल बुक उठाकर पढ़ लीजिए, या फिर किंडल से ई बुक पढ़ लीजिए, या फिर आजकल के लेटेस्ट जमाने में ऑडिबल से जो है ऑडियो बुक्स सुन लीजिए। तीनों ही तरीके अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, सही हैं, आपका टाइम बचाते हैं और कहीं ना कहीं आपको नॉलेज देते हैं। लेकिन कौन सा तरीका आपके लिए बेस्ट है, ये कैसे पता चले? इसको पता लगाने के लिए आपको इन तीनों तरीकों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस समझने होंगे। तो आज के वीडियो में मैं इन तीनों तरीकों के एक एक करके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताऊंगी। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सा तरीका आपके लिए सही है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फिजिकल बुक के एडवांटेजेस। फिजिकल बुक के क्या एडवांटेजेस हैं? सबसे पहला एडवांटेज जो फिजिकल बुक रीडिंग का है वो ये है कि जब आप फिजिकल बुक पढ़ते हैं आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, आपका सारा ध्यान आपकी किताब के ऊपर रहता है। दूसरा फायदा ये है कि जैसे ही आप किताब खोलते हैं तो जो फ्रेश पेजेस की जो स्मेल है वो आपको किताब की तरफ खींचती है, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उस किताब की जो पेजेस की जो स्मेल है वो आपको बुक्स की तरफ आकर्षित करती है। तीसरा फायदा जो बुक रीडिंग का है वो ये है कि उसमें आप अपने जो आपके इंपॉर्टेंट नोट्स उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, फिर फ्लिप थ्रू करके आप उसको दोबारा से देख कर सकते हैं। चौथा फायदा जो फिजिकल बुक पढ़ने का है वो ये है दैट दे आर ईजी ऑन योर आइज, आपकी आइज पर स्ट्रेन नहीं पड़ता जब आप किताब पढ़ते हैं। जो पांचवा फायदा है बुक रीडिंग का वो है इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। जब आप किसी बुक को पढ़ना शुरू करते हैं तो आपके राइट साइड में बुक्स के बहुत सारे पेजेस होते हैं और लेफ्ट साइड में जैसे जैसे आप पेजेस पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आप पेजेस पलटते जाते हैं। तो जैसे जैसे आपके पेजेस कम होते हैं तो आपको एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मिलती है, आपको एक फील गुड फैक्टर मिलता है कि वाओ आपने इतनी सारी बुक्स पढ़ ली। अक्सर क्या होता है कि जब बुक पढ़ने वाले होते हैं आप पहले डिसाइड कर लेते हैं कि आपको 4-10 पेजेस पढ़ने हैं, 20 पेजेस पढ़ने हैं, या जब आप पढ़ के उठने वाले होते हैं आप देखते हैं अच्छा मैंने अभी 4 पेजेस पढ़े हैं, मैं 4 और पढ़ लेता हूँ। तो वो पेजेस देखकर जो है आपको अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग होती है। और जो अगला फायदा है वो ये है, जो छठा फायदा फिजिकल बुक रीडिंग का है वो ये है कि जैसे जैसे आप बुक्स पढ़ते जाते हैं ऐसे वैसे आपकी लाइब्रेरी बढ़ती जाती है। और जो आपके घर में आपके पास आपकी खुद की बहुत बड़ी लाइब्रेरी बिल्डअप हो जाती है, इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ प्राइड दैट वाओ आपके पास एक लाइब्रेरी है, खुद की लाइब्रेरी है और आपके पास बुक्स का कलेक्शन है। तो वो आपको बहुत ज़्यादा प्राइड की फीलिंग देता है। डिसएडवांटेजेस क्या है फिजिकल बुक के? डिसएडवांटेजेस भी हैं। जी हाँ, पहला डिसएडवांटेज जो फिजिकल बुक रीडिंग का है वो ये है दैट कि जब आप पढ़ते हैं किसी किताब को अगर उसका फॉन्ट आपकी आईसाइट के लिए ठीक नहीं है, आपको अच्छा उसका फॉन्ट जो है आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है, आप उस बुक को इतने कंफर्टेबल तरीके से नहीं पढ़ पाते। दूसरा डिसएडवांटेज जो बुक्स का है वो ये है कि अगर आपको कोई किताब चाहिए तो ईजिली अवेलेबल नहीं हो पाती, या तो आपको मार्केट जाके उसको खरीद के लाना पड़ेगा, या ऑनलाइन आप ऑर्डर करेंगे तो आप आज ऑर्डर करेंगे एक दो दिन लगेंगे उसको आने में, तो इट्स नॉट अवेलेबल टू यू ऑन द स्पॉट। तीसरा जो डिसएडवांटेज बुक्स का है वो ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है प्रिंटिंग की, बहुत सारा पेपर लगता है। तो एनवायरमेंटल वाइज अगर देखा जाए तो इट इज़ नॉट अ वेरी हेल्दी थिंग कि हम पेपर पर रिलाई करें। चौथा डिसएडवांटेज जो है वो बुक रीडिंग का ये है दैट कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सालों तक जो किताब जो है वो डैमेज होती है, उसको संभाल के रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पांचवा डिसएडवांटेज जो बुक्स का है वो ये है, वो थोड़ी सी बड़ी होती हैं, बल्की होती है। अगर आपको कहीं जाना हो, ट्रैवल करना हो तो बुक्स लेकर जाने में आपको काफ़ी सारी जगह, काफ़ी सारी स्पेस वो आपके लिए लेते हैं। और जो अगला डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर आपके पास बहुत सारी किताबें हैं तो आपको उसके लिए एक जगह भी किताबों के लिए अलग से रखनी पड़ती है। अगर आपका घर छोटा है तो आपको ये डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा खल सकते हैं कि आपके पास आपकी किताबें रखने की जगह ना हो। चलिए
बढ़ते हैं अगले मीडियम पर जो है किंडल यानी कि ई बुक रीडिंग। ई बुक रीडिंग आज के ज़माने के हिसाब से लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी बना जाता है बिकॉज इट इज़ लाइक दैट यू कैन टेक इट एनी वेयर एंड इट्स लाइक वन डिवाइस मैनी बुक्स। जस्ट ये स्मॉल डिवाइस आप अपने बैग में डालिए, जो बुक आपको चाहिए आप इस पर खरीदिए, ऑनलाइन आप उसको परचेज कीजिए और आप जब चाहें जहाँ चाहें जैसे चाहें आपके लिए वो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो जो सबसे बढ़िया फायदा है वो है वन डिवाइस मैनी बुक्स। सेकेंड जो फायदा है वो ये है दैट ईजिली एक्सेसिबल है, यानी कि अगर आपको कोई किताब पढ़नी है अभी आपने ऑर्डर करी और इमीडिएटली आपने इस बुक को डाउनलोड कर लिया, इमीडिएटली वो जो किताब है आपको वेट नहीं करना पड़ता, आपको इमीडिएट उसकी एक्सेस मिल जाती है। थर्ड जो बेनिफिट आपको किंडल से रीडिंग का है वो दैट इट्स ईजी ऑन योर आइज। आपको किंडल जो है उसकी जो लाइटिंग होती है वो आपकी आइज के लिए बहुत ज़्यादा सूदिंग होती है और आपको उससे बहुत ज़्यादा आइज पर फर्क नहीं पड़ता है। जो चौथा बेनिफिट है वो ये है कि आप किंडल में जब कोई किताब पढ़ रहे होते हैं तो आप उसके फॉन्ट को बड़ा कर सकते हैं ताकि आपकी आईज जो है उसको आराम से पढ़ पाए। जो पांचवा फायदा किंडल से रीडिंग करने का है वो ये है दैट इनहैंसेस योर वोकैबुलरी हैव, बिकॉज अगर आप कोई किताब किंडल पर पढ़ रहे हैं और आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा तो आपको सिर्फ उस पर लॉन्ग प्रेस करना है एंड उसका जो मीनिंग है वो वहां पर आपको विजिबल हो पाता है। अक्सर फिजिकल बुक में क्या होता है, जब आप कोई किताब पढ़ रहे होते हैं आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आता तो आपको डिक्शनरी उठा के देखनी पड़ती है या फोन पर किसी एप्लीकेशन पर आप उसका मीनिंग ढूंढेंगे, लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक बस एक लॉन्ग प्रेस से उसका मीनिंग जो है वो अवेलेबल हो पाता है। तो आप ज़्यादा मीनिंग्स देखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इन्हांस करते हैं। सिक्स जो बेनिफिट है किंडल का वो ये है दैट इट्स एनवायरमेंटल फ्रेंडली। इस पर बहुत ज़्यादा पेपर नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है, आपको सिर्फ एक डिवाइस पर रीडिंग करनी है तो एनवायरमेंट पर बिल्कुल लोड नहीं पड़ता। सातवां बेनिफिट जो किंडल से रीडिंग करने का वो ये है दैट दे आर अफोर्डेबल इन द लॉन्ग रन। जहाँ फिजिकल बुक्स आपको परचेज करके रखनी पड़ती हैं, बहुत एक्सपेंसिव आती हैं, किंडल पर आपने एक बार ले ली और बल्कि इसमें एक और जो बेनिफिट ये होता है वो आपकी अपडेट्स भी जो है उस पर आते रहते हैं। अक्सर क्या होता है कोई किताबें होती हैं उनके अपडेट्स बाद में आते हैं, तो आपको अगर फिजिकल बुक लेनी हो तो आप उसका अपडेटेड वर्जन एक्स्ट्रा से खरीदेंगे, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना है, आपकी जो बुक्स हैं वो ऑटोमेटिकली अपडेट्स जो है वो लेते रहती हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस किंडल का सबसे पहला ये है दैट इंक्रीजेज योर स्क्रीन टाइम। सेकेंड डिसएडवांटेज है दैट इट रन्स ऑन बैटरी, आपको इसको चार्ज करना पड़ता है, अगर चार्ज नहीं है तो आप इसमें से किताब नहीं पढ़ सकते, दैट मीन्स यू आर डिपेंडेंट ऑन चार्जिंग योर डिवाइस। बढ़ते हैं अगले मेथड की ओर। अगला मेथड क्या है, अगला मेथड है सुनने वाली किताबें यानी कि ऑडिबल बुक्स वर्जन। आजकल बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं जिस पर आपको किताबें जो हैं वो ऑडियो वर्जन में अवेलेबल हैं, आप किसी भी किताब को वहाँ पर परचेज कर सकते हैं और आप उसको ऑडियो वर्जन सुन सकते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, सबसे पहला एडवांटेज जो ऑडिबल बुक्स का हो जाता है वो ये हो जाता है कि अगर आपके पास किताब को बैठकर पढ़ने का समय नहीं है लेकिन आपके अंदर इच्छा है किताब पढ़ने की तो आप उसका ऑडियो वर्जन बाय कर सकते हैं और आप अपना सारा काम करते करते, कुकिंग करते करते, रनिंग करते करते, जॉगिंग करते करते, ड्राइविंग करते करते, अपना कुछ भी काम करते करते अपनी फेवरेट किताब जो है वो सुन सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप उस किताब को सुन पाएंगे। दूसरा बेनिफिट जो ऑडिबल बुक्स का है वो ये है दैट इन्हांसेस योर लिसनिंग स्किल्स, बिकॉज जब आप उस किताब को सुन रहे होते हैं तो आप बहुत ध्यान से उस किताब पर फोकस लगाते हैं, उसको लिसन करने की कोशिश करते हैं, तो आपकी जो है वो लिसनिंग स्किल्स जो है वो इन्हांस हो जाते हैं। थर्ड बेनिफिट ऑडिबल बुक्स का ये है दैट इट हेल्प्स यू इम्प्रूव योर प्रोनंसिएशन। जब आप किसी भी किताब को सुन रहे होते हैं वो जिस भी लैंग्वेज में होता है, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, तो जिस तरीके से उसके वर्ड्स प्रोनाउंस किए जा रहे होते हैं उससे आपका भी प्रोनंसिएशन जो है वो क्लियर होता है। फोर्थ बेनिफिट है दैट इट इन्हांसेज योर वोकैबुलरी। जब आप बहुत सारे वर्ड्स सुनते रहते हैं तो आप जो है उन वर्ड्स को अपनी डेली यूजेज में भी लाते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट जो सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है ऑडिबल बुक्स का वो ये है दैट यू कैन रिलैक्स योर आइज। आपको अपनी आइज को स्ट्रेन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आप चलते फिरते अपने कुछ काम करते करते उस बुक्स को सुन सकते हैं और आपकी आइज जो है वो रिलैक्स कर सकती हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या है ऑडिबल बुक्स के, सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज ऑडिबल बुक्स का है वो ये है दैट दे आर स्लाइटली एक्सपेंसिव देन द अदर टू मीडियम्स। सेकेंड डिसएडवांटेज ये है कि अक्सर जो आप किताब सुन रहे होते हैं जब
पढ़ते हैं तो पूरे फोकस्ड होते हैं, चाहे वो किंडल से पढ़ें चाहे फिजिकल बुक से पढ़ें, लेकिन जब आप कभी सुन रहे होते हैं तो कभी कभी जब आप दूसरा काम साथ में कर रहे हैं तो आप अपनी ऑडिबल बुक को 100% अटेंशन नहीं दे पाते हैं। इससे आपका जो 100% एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉलेज उस बुक से होना है वो नहीं हो पाता है। सो ये हैं तीनों मीडियम्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब आपके लिए कौन सा सूटेबल है, आपके लिए कौन सा सूटेबल है, मैं कहूँगी जैसे मैं इस चीज़ को अप्लाई करती हूँ, मैंने बुक्स सुनी भी हैं, किंडल से भी पढ़ी हैं और फिजिकल भी पढ़ी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अलग अलग समय पे तीनों मीडियम्स यूज़फुल होते हैं। अगर मैंने कोई किताब फिजिकली पढ़ ली है लेकिन मैं चाहती हूँ मैं उस किताब को बार 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 उसके जो पॉइंट्स हैं रिवाइज करती रहूँ, तो मैं उसी बुक का ऑडिबल वर्जन जो है वो ले लेती हूँ और बार बार उस किताब को सुनती रहती हूँ ताकि उसके जो पॉइंट्स हैं मेरे दिमाग में वो रिवाइज रहते हैं। अब किंडल की बात करें, व्हेन आई एम ट्रैवलिंग तो अक्सर मुझे कभी 2-3 बुक्स लेके जानी होती है पढ़ने के लिए, वो बल्की होती है, मेरे बैग में बहुत सारी जगह ले लेती हैं और कई बार ट्रैवलिंग में वो ख़राब भी हो जाती है, तो किंडल वहाँ बहुत काम आता है बिकॉज आपने एक ही डिवाइस में बहुत सारी किताबें हैं। जब आप ट्रैवल कर रहे हैं छोटा सा किंडल आपके बैग में फिट हो जाता है, कितनी भी किताबें आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जब मुझे फिजिकल बुक्स की मैं अपनी लाइब्रेरी देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और उन किताबों को देखकर मुझे बहुत अच्छी ये फीलिंग आती है दैट वाओ आई हैव दीज मेनी बुक्स, दीज आर माय ट्रेजर और मैंने इनको पढ़ा है, और मुझे बहुत अच्छा उसको देखकर के फीलिंग आती है और बुक्स पढ़ने के लिए भी मोटिवेशन और एनकरेजमेंट मिलती है। आपको क्या लगता है, आपके लिए कौन सा मीडियम बेस्ट है, आप कौन सा मीडियम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।